स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जीवा स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज हम इंग्लिश में ओ साउंड वर्ड्स करेंगे। ओके, इंग्लिश की नोटबुक में हमने आगे के वीडियो में आई साउंड वर्ड्स तक कंप्लीट किया था। अब आज हम यहाँ पर ओ साउंड वर्ड्स लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी डब्ल्यू यानी कि क्लास वर्क लिखेंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे। तो आज की हमारी डेट है 4, मंथ है 9, 2020। ओके, ये हमारी आज की डेट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे की वीडियो में बताया था कि हमारे वॉवल्स है 5, तो ए ई आई ओ यू, उसमें से हमने ए साउंड, ई साउंड और आई साउंड आगे की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब आज हम यहाँ पर ओ साउंड वर्ड्स करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ओ साउंड वर्ड्स, ओ साउंड वर्ड्स, ओ साउंड वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आप लोगों को जैसे मैंने आगे की वीडियो में भी बताया था कि हम यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखेंगे कि जिसके बीच में ओ आता हो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ओ टी पॉट से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी ओ टी पॉट, पी ओ टी पॉट, एम ओ पी मॉप, एम ओ पी मॉप। ओके, टी ओ पी टॉप, टी ओ पी टॉप, डी ओ जी डॉग, डी ओ जी डॉग, डी ओ जी डॉग, एस ओ एन सन, एस ओ एन सन, पी ओ टी पॉट, एम ओ पी मॉप, टी ओ पी टॉप, डी ओ जी डॉग, एस ओ एन सन। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से लाइंस बनानी है, एक और लाइन बनानी है और ये जो हमने ओ साउंड वर्ड्स लिखे हैं वो आपको यहाँ पर भी लिखने हैं। आज हमने कितने ओ साउंड वर्ड्स लिखे, 5। ओके, यहाँ पर भी आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन कर यहाँ पर एच डब्ल्यू यानी कि होमवर्क डालना है और ये जो हमारी डेट है वो सेम डेट डालनी है, 4, मंथ है 9, ईयर है 2020। ओके, अब ये हेडिंग जो है ओ साउंड वर्ड्स, वो हेडिंग यहाँ पर डालकर इस तरीके से साउंड वर्ड्स, इस तरीके से हेडिंग डालकर जो हमने ओ साउंड वर्ड्स क्लास वर्क में किए हैं वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर होमवर्क में कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद फोटो क्लिक कर स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।